हाँ जी ओके 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 अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिन्हें तो मोबाइल शॉप से हसनैन अली बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये मोबाइल है जी 570 मॉडल है। इसका जो है ना ग्लास रिमूव कर रहे हैं हम, सॉरी ये पैनल रिमूव कर रहे हैं। इसका चार्जिंग जैक चेंज करना है। तो काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आती है कि चार्जिंग जैक क्या आप चेंज करते हैं, आप तो पैनल उतारने की वीडियो बनाएंगे जिस तरीके से आप आसानी से उतारें और पैनल आपका ख़राब भी ना हो। जो हीट गन मैं यूज़ कर रहा हूँ 300 डिग्री पे हीट रखी हुई है और मैंने, ठीक है, और एयर मेरी है 6 पे। और लिक्विड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ 530 यूज़ कर रहा हूँ। और जो ये लिक्विड है आपने ये बहुत थोड़ी सी मिकदार में यूज़ करना है क्योंकि इसके अंदर एलसीडी लगी हुई है। लिक्विड अगर आपकी एलसीडी के अंदर चला जाएगा तो आपकी एलसीडी ख़राब हो सकती है, वो उसके अंदर सारे निशान आ जाएंगे जिसकी वजह से कस्टमर एतराज़ करेगा, आपको एलसीडी रिप्लेस करनी पड़ेगी अगर आपको उसका लाइट, आपके पास उसका लाइट बॉक्स नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ तक इंसर्ट करना है जहाँ तक कि एलसीडी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने इसके अंदर कार्ड इंसर्ट नहीं करना, अगर कार्ड ज़्यादा इंसर्ट करेंगे तो ये आपकी एलसीडी जो है ना टूट सकती है, ख़राब हो सकती है, ठीक है। और इसी के नीचे सॉफ्ट कीज भी हैं, उन स्ट्रिपर को भी बचाना है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि अभी हार्ड है तो आप इसे थोड़ा सा हीट अप कर लें।
अच्छा, इसमें दोस्तों आपने थोड़ा थोड़ा लिक्विड इस्तेमाल कर लेना है और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी आपने, ठीक है? जल्दबाजी करेंगे तो आपका काम जो है ना ख़राब होगा। अभी जो हमने ये एक्सरे जो इसका डाला हुआ है, एलईडी के नीचे की तरफ डाला हुआ है हमने, ठीक है? एक्सरे हम एक और इंसर्ट कर लेंगे, वो भी हमने इंसर्ट एलईडी के नीचे ही करना है। ठीक है, एलईडी के नीचे ही इंसर्ट करना है आपने और थोड़ा थोड़ा लिक्विड आपने यूज़ करते रहना साथ साथ। अब यहाँ पे जब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ से तकरीबन हमारा काम हो चुका है। इससे ऊपर दोबारा हमने मोबाइल जो है ना इसको हीट करना है। और ये हीट करने वाला जो प्रोसेस है ना, ये आपने साथ साथ रखना, ये ज़रूरी है, ठीक है? और इस जगह पे ऊपर आने के बाद एक्सरे हमने इस जगह पे इसकी स्ट्रिप है नीचे, यहाँ से एहतियात से हमने करना है। यहाँ से स्ट्रिप वाला डैमेज होगी तो हमारा पैनल जो है ज़ाया हो जाएगा। वो
इस तरीके से आपने विजिबिलिटी जो है ना अपनी बना के आपको नज़र आए कि इसके अंदर आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। देख के आपने यानी कि इसके अंदर एक्सरे इंसर्ट करना है। इसमें से यहाँ से ये देख सकते हैं ये कोना इसका, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे से ये पहले का टूटा हुआ था, ठीक है। ये देखें पैनल हम सही उतार चुके हैं इसका बिल्कुल, तो इसकी बैटरी लो है जिसकी वजह से अभी ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ये देखें लाइट बंद करनी पड़ेगी मुझे लगता है, ठीक है। पैनल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल A1 उतर आया। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये चीज़ है कि लिक्विड जब आपने यूज़ करना है उसके बाद उतारने के बाद आपने ये जो इसकी टेप है डबल वाली इसको रिमूव कर देना, क्योंकि जब हम वापस लगाएंगे तो इसके ऊपर हम ग्लू लगा के लगाएंगे, ये वाली टेप वापस नहीं लगेगी। इसमें दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। एक तो ये ख्याल करना है आपने चलें, वीडियो ये थोड़ी सी लेंथी बन गई है। अब इस तरीके से है कि जब आपने इसको उतारना है तो इसकी दो तीन टिप्स दे देता हूं मैं आपको। एक तो यह है जिस चीज़ का पे आपने काम करना है मेटल वाली चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी, जो ये मेटल में है ये आपने यूज़ नहीं करनी। ये अगर LCD पर टच होगी या स्ट्रिप का पर टच होगी वो फ़ौरन से आपकी ब्रेक हो जाएगी। आपने एक्सरे यूज़ करना है या फिर ये 9D जो प्रोटेक्टर है उसके बैक पर जो शीट लगी है वो शीट यूज़ कर लेनी है आपने, और शीट के साइडें जो है ना वो आपने गोल कर लेनी है, ठीक है। और एक्सरे आपने यूज़ कर लेना है बारीक वाला, एक बहुत बारीक आता है, एक थोड़ा सा ये एक्सरे आता है, तो एक्सरे आपने यूज़ करना है। और तीसरी चीज़ है जिस जिस जगह पे आपने काम करते जाना है वहाँ वहाँ आपने साथ साथ WD-40 या फिर 530 अप्लाई करना है, लेकिन हल्का हल्का। अब इसमें हम ज़्यादा अप्लाई करते तो ये LED नहीं है, LCD लगी हुई है ये, ये देख सकते हैं इसके अंदर LCD लगी हुई है, LED नहीं। अगर हम इसके अंदर 530 ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये इसके अंदर चला जाता है 530, ठीक है। सही है, मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ।